फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आपको यहां बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? कोई एक स्टूडेंट खड़ा होके पढ़ेगा इसको। क्या लिखा हुआ है बेटा यहां? 2015। उसके आगे? यस, अ डॉग, अ एस एल ए टी ई, स्लेट। स्लेट आप जानते हैं, स्लेट पेंसिल, बचपन में आपने लिखा है स्लेट पे, याद कीजिए। उसके बाद अ टीवी, अ काउ। यहां क्या लिखा हुआ है? आज, आज। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, टुडे। ठीक है, आज। इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे? अ कैट, अ टीवी, अ काउ, अ बैग। कुछ समझ में आया नहीं होगा ना कि ये सब क्या लिख के रखा है? सोचिए, ये चीजें 2015 में आपके पास थी। अ डॉग, अ स्लेट, अ टीवी, अ काउ। ये चीजें आज, टुडे, आपके पास हैं। जो पहले थी और आज हैं, फर्क जान रहे हैं आप लोग? आज हैं अ कैट, अ टीवी, अ काउ, अ बैग। ध्यान से देखिए, आपके पास 2015 में एक डॉग था। आज, टुडे, डॉग उस लिस्ट में नहीं है। 2015 में डॉग था, आज नहीं है। इस वाक्य को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? मेरे पास एक डॉग था, यही हम आपको सिखाने वाले हैं इस लेसन में। यही चीज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कोई चीज जो आपके पास पहले थी परंतु आज नहीं है, तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे? देखिए, यहां 2015 में डॉग आपके पास था, अभी यहां लिस्ट में डॉग नहीं है। अ स्लेट आज की लिस्ट में स्लेट भी नहीं है। मेरे पास एक स्लेट थी। अ टीवी 2015 की लिस्ट में आपके पास टीवी है, आज भी आपके पास टीवी है। कोई चीज जो पहले आपके पास थी और आज भी आपके पास है, इस वाक्य को अगर आपको बोलना है, आप हिंदी में कैसे बोलेंगे? मेरे पास टीवी है। टीवी पहले भी था, टीवी अभी भी है, मेरे पास टीवी है। क्लियर? अ काउ 2015 में भी आपके पास काउ है, गाय है। आज भी आपकी गाय है आपके पास, सुरक्षित। कैसे बोलेंगे? मेरे पास एक गाय है। अब
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपके पास हैं जो पहले आपके पास नहीं थी? अ कैट, आपका डॉग गया, वो नहीं है अब आपके पास। आप उसको बोलेंगे मेरे पास डॉग था, अब बोलेंगे मेरे पास कैट है, मेरे पास एक बिल्ली है। टीवी आपके पास पहले भी था, अभी भी है। काऊ आपके पास पहले भी थी, अभी भी है, तो मेरे पास गाय है। मेरे पास एक बैग भी है जो पहले नहीं था। हम लोग इसके पहले जो पास वाला लेसन पढ़े थे बेटा, जिसमें हमने ये जाना कि हैज हैव मेरे पास, हमने पास के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था अलग अलग सर्वनाम पे, अलग अलग प्रोनाउंस पे, वो अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, वो है हैज या हैव। इसका मतलब होता है पास है। मैं बोलूं आई हैव, मेरे पास है कोई भी चीज। जब वह लड़का वह लड़की बोले तो ही या शी हैज, उसके पास है कोई ऐसी चीज। जैसे ये लिस्ट आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास, आपके पास जो डॉग 2015 में था वो अब नहीं है आज की डेट में, शब्द हो जाएगा मेरे पास था। वो आज आपके पास नहीं है, वो आपके पास उस समय था, पुराने समय में। इसके लिए जो शब्द हम यूज करेंगे वो है हैड। मेरे पास था 2015 में, डॉग था आपके पास, आप उसको किस तरह से बोलेंगे? आई हैड अ डॉग। मेरे पास एक डॉग था जो आज नहीं है, इसीलिए हमने यहां पे था शब्द यूज किया बेटे। नंबर टू, स्लेट। इस लिस्ट में स्लेट दिख रही है क्या आपको? नहीं। अब आप इसको बोलिए मेरे पास में स्लेट थी। आई हैड अ स्लेट। वो स्लेट आज आपके पास नहीं है। इसके बाद तीसरी चीज, टेलीविजन और टीवी। वो टीवी आपके पास 2015 में भी था, टीवी आज भी आपके पास है। जब हमको इस तरह से बोलना है कोई चीज हमारे पास पहले थी और आज भी है, तो हम कैसे बोलेंगे? मेरे पास थी और मेरे पास है, ये बोलने की जरूरत है क्या? सिंपली उसको बोलिए टीवी मेरे पास है या मेरे पास एक टीवी है। कैसे बोलेंगे? आई हैव अ टेलीविजन, या आप टेलीविजन को शॉर्ट में बोलेंगे टीवी। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? क्योंकि टेलीविजन इधर भी है आपके पास और आज भी है, तो हम इसको हैड में नहीं जाएंगे, हम इसको था नहीं बोलेंगे, ये आज आपके पास है। ठीक है, इसके बाद काऊ 2015 में थी, आज के डेट में भी है, क्या बोला जाए? मेरे पास था या मेरे पास है? गाय के लिए थी हो जाएगा, मेरे पास है। वेरी गुड, आई हैव अ काऊ। अच्छी तरह से समझ में आया? अब देखिए, कैट
पहले थी क्या आपके पास? नो, आज आपके पास है. कैसे बोलेंगे? आई हैव अ कैट. ठीक है. इसके बाद टीवी तो हो गया, हम लोगों ने बोल लिया आई हैव अ टेलीविजन. काउ हमने बोल लिया, हमारे पास गाय भी है, पहले भी थी अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं. फिर एक नई चीज, बैग. बैग आपके पास पहले नहीं था, आज है. कैसे बोलेंगे? आई हैव अ बैग. सबसे जरूरी जो चीज समझना है बेटा वो ये, जो चीजें आपके पास आज नहीं हैं, वो चीजें थी, आपके पास थी. तो आपके पास जो चीजें थी उनको बताने के लिए जिस शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे वो है हैड. और जो चीजें आपके पास हैं, चाहे वो पहले से है या आज है, आज आपने खरीदा हो या आपने पहले खरीदा हो, लेकिन वो चीजें आपके पास है ना, तो उनके लिए आप यूज करेंगे. मैं अगर करके बोलेंगे तो हैव. ये आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं. और अगर किसी दूसरे के लिए बोलेंगे ही शी हैज. अच्छी तरह से समझ में आया आपको? हम एक बार उन प्रोनाउंस को रिपीट कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो. जब हम आई के बारे में बात करें, यू के बारे में बात करें, वी के बारे में बात करें और दे के बारे में बात करें, है ना, पास है, तो हम यहां पर हैव लगाते हैं. मेरे पास है, तुम्हारे पास है, हमारे पास है, उनके पास है. ठीक है. और जब हम उसके पास है, उस लड़की के पास है, इस तरह से, या कोई नाम, रमेश, हैज. लेकिन जब थी या था वाली भावना आनी है, इनमें से किसी के पास भी कोई चीज भी थी, ये दोनों की जगह पे आ जाएगा है. बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि कोई चीज इनमें से किसी के पास अगर है, तो ये जो आप देख रहे हैं, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, आई यू वी दे हैव, ही शी या कोई भी नाम, रमेश, सुरेश, मीना, रीना, कोई भी, हैज. I have, you have, we have, they have. बोलिए एक बार. I have, you have, we have, they have. He has, she has, Ramesh has. ठीक. अब had, जो पहले था अभी नहीं. I had, you had, we had, they had, he had, she had, Ramesh had, या कोई और ना था, had. मैं आपको सिचुएशन दूंगी और आपको बताना है कि आप उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे. इतना क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट नहीं. अगर डाउट है तो बिल्कुल यहीं पर इस वीडियो को रुकवाइएगा और जो आपके
टीचर हैं यहां पे सपोर्टिव टीचर, उनको बोलिएगा इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दें, या अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करा लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको सिचुएशन देते हैं, आपके पास, आप छोटे थे जब, अभी तो आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग साइकिल चला लेते हैं बढ़िया से, छोटे थे तो भी साइकिल थी आपके पास में, वही साइकिल कुछ बच्चे चला रहे हैं ना। एक बच्ची है रीना, उसके पापा ने उसको पिंक कलर की साइकिल गिफ्ट की 3-4 साल पहले। आज भी उस बच्ची के पास वही साइकिल है। आपको अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है, ऐसा बोल के मैं हिंदी में बता दूंगी तो आप लोग तुरंत पकड़ लोगे, इसलिए मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी और आपको बोलना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको सिचुएशन बताया, रीना नाम की बच्ची, उसके पास एक पिंक कलर की साइकिल है, ओके, वो उसने 4 साल पहले उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया था, वो साइकिल आज भी उसके पास है। आप बोलेंगे रीना के पास पिंक कलर की साइकिल है या रीना के पास पिंक कलर की साइकिल थी, बताइए। क्या कहा आप लोगों ने? रीना के पास साइकिल है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी बात को हमको ध्यान रखना, क्योंकि वही साइकिल है बेटा, वही पिंक कलर की साइकिल जो वो 4 साल से चला रही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। रीना हैज अ पिंक बाइसिकल। सिचुएशन चेंज। रीना की साइकिल टूट गई, अब उसके पास पिंक कलर की साइकिल नहीं है, उसके पास थी पर अब वो साइकिल उसके पास नहीं है, कैसे बोलेंगे बताइए। थी अब नहीं है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? रीना हैड अ पिंक बाइसिकल। जो भी चीज पहले आपके पास थी और अब आपके पास नहीं है, तो उन वाक्यों को बनाते समय जो शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे वो होगा हैड। अब वो नहीं है आपके पास, और जो चीजें आपके पास अभी भी हैं, भले ही वो कितनी भी पुरानी हो पर वो आपके पास है ना, तो आप उसको हैव, मेरे पास जब बोलेंगे तो आई हैव बोलेंगे। कुर्सी आपके घर में होगी, आपकी एक कुर्सी होगी, जब आप छोटे बच्चे रहे होगे तो छोटी सी कुर्सी रही होगी, बड़े हो गए हैं तो बड़ी कुर्सी, लेकिन छोटी सी कुर्सी आपको याद है जब आप छोटे से थे और आपके कुर्सी में बैठने के बाद जब आपके पैर जमीन से काफी ऊपर होते थे तो पापा ने आपको छोटी सी कुर्सी ला के दी थी कि आपके पैर जमीन तक आ जाएं, और कुर्सी से उतरते समय या उस पर बैठते समय आपका संतुलन, आपका बैलेंस ना बिगड़े, वो कुर्सी आज भी आपके घर में है, ठीक है। हमको इसको अंग्रेजी में बोलना है, वो आपके बचपन की कुर्सी है, छोटी सी कुर्सी है पर वो खराब नहीं हुई है, वो अभी आपके घर में है, क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मेरे पास कुर्सी थी, छोटी सी कुर्सी थी, कि मेरे पास छोटी सी कुर्सी है? यस, आप बोलेंगे मेरे पास एक छोटी कुर्सी है, कैसे बोलेंगे बताइए। आई हैव, आगे
A small chair. आपका दोस्त सोनू, उसके पापा ने भी उसके लिए एक छोटी सी कुर्सी लाई थी। जब तक वो छोटा था उस कुर्सी पे बैठा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन वो कुर्सी पे खड़ा हो गया और कुर्सी ब्रेक टूट गई। अब सोनू की कुर्सी टूट गई, आज उसके पास कुर्सी नहीं है। आपको बोलना है कि सोनू के पास एक छोटी कुर्सी है या थी, आप बताओ। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सोनू के पास एक छोटी कुर्सी थी। तो क्या कैसे बनाएंगे इस वाक्य को? सोनू हैड अ स्मॉल चेयर। आपकी कुर्सी सुरक्षित है, आपकी कुर्सी, सोनू की कुर्सी साथ में, दोनों बचपन में छोटे थे तब आई। आपकी कुर्सी सुरक्षित, आपने कहा आई हैव अ स्मॉल चेयर, कुर्सी है। सोनू की कुर्सी सोनू ने चढ़ के तोड़ दी, तो सोनू की कुर्सी बन गई हैड, भूतकाल, अब नहीं है, टूट गई है। ग्रामर की लैंग्वेज में, ग्रामर की भाषा में बात करें, ये हैज हैव जो आप देख रहे हैं बेटा, ये वर्तमान होता है, आज, ठीक है? इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। इससे पहले वाले लेसन में भी हमने इससे बात, इस पे बात की थी। ये होता है प्रेजेंट टेंस। जो चीजें आज आपके पास हैं, ये तो आप जानते हैं इनका मतलब, हैज हैव का मतलब पास होता है ना, और आज नहीं है, किसी समय में थी, तो ये हो गया पास्ट टेंस, पुराना समय, बीत गया समय, और उसके लिए हम बोलते हैं मेरे पास थी, मेरे पास थी, तुम्हारे पास थी, उसके पास थी, हमारे पास थी। पर ये जो जो चीजें हम हैड से बोले, हमको ये याद रहे कि वो चीजें अब हमारे पास नहीं। अगर वो चीजें आज मौजूद हैं, भले ही हमने उसको कभी भी लिया हो, तो वो चीजें हमारे पास हैं बोली जाएंगी, क्योंकि वो हमारे पास मौजूद है ना। लेकिन अगर वो चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो हैड हो गई। एक सिचुएशन और, आपके क्लास का छोटा सा बच्चा, वैसे जनरली बॉयज डॉल्स के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन आपको मालूम है आपके क्लास में एक बच्चा है रवि, उसके पास, वो अपनी छोटी बहन की गुड़िया से बहुत खेला है। पूछिएगा रवि से कभी, गुड़िया के बाल भी बनाता था, उसकी चोटी भी करता था, उसको ड्रेस भी पहनाता था, छोटी सी डॉल थी उसके पास, रवि की डॉल। वो डॉल गुम गई। अब आपको बोलना है कि रवि के पास एक छोटी गुड़िया है या थी, कैसे बोलेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चूंकि वो गुड़िया टूट गई, वो गुड़िया गुम गई, वो गुड़िया अब नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे? रवि हैड। बहुत बढ़िया, रवि हैड अ लिटिल डॉल। अगर वो गुड़िया आज भी होती, तो आप क्या बोलते? रवि हैज अ लिटिल डॉल।
एकदम क्लियर समझ में आ गया आपको कि हैज हैव कहां यूज करना है और हैड हमको कहां यूज करना है. मैं एक बार रिवाइज कर देती हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा. जो चीजें आज हमारे पास नहीं है, कभी हुआ करती थी, उनके लिए हम यूज करेंगे हैड, क्योंकि ये पास्ट है, भूतकाल बीत चुका. जो चीजें आज भी हमारे पास हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. हमने कभी भी लिया हो, हमारे बचपन की हो, एकदम छोटे थे तब की हो, पर वो चीजें आपके पास हैं तो वो हैज या हैव से आप बताएंगे. मेरे पास है तो हैव, किसी और के पास है एक व्यक्ति तो हैज. ठीक है, क्लियर हो गया अच्छी तरह से. इस पे हम एक्सरसाइज करें, चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा. आइए हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे. आप यहां पर कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे आपके स्क्रीन पे, और आपको यह बताना है कि यह सेंटेंस आज की स्थिति में है या पुरानी स्थिति में है, यह आपको सोचना पड़ेगा. और उसके बाद अगर आज की स्थिति यानी प्रेजेंट में है तो आपको पुरानी स्थिति में चेंज करना है, और पुरानी स्थिति में है तो आज की स्थिति में चेंज करना है. ठीक है, बदलेंगे आप. आज के समय में है तो उसको था में ले जाइए या थी में ले जाइए, और था या थी में है तो है में ले जाइए. नंबर वन सेंटेंस देखेंगे ध्यान से. दे हैव मेनी प्ले थिंग्स. दे हैव मेनी प्ले थिंग्स मतलब आप जानते हैं उनके पास बहुत सारी खेलने की चीजें. हैव लगा हुआ है यानी है, तो अब आपको बनाना है उनके पास बहुत सारी खेलने की चीजें थी. चलिए बनाइए. सेकेंड सेंटेंस, शी हैड अ बाइसिकल. ये देखिएगा आप कौन से टेंस में है और उस हिसाब से आपको इसको बनाना है. थर्ड सेंटेंस, वी हैव अ पेट डॉग. फोर्थ सेंटेंस, यू हैड अ जीप. जीप वर्ड कमांडर देखी ना बेटा आप लोगों ने, जो ओपन होती है जीप, ऐसी जीप पहले चला करती थी. कुछ बच्चों ने देखी भी होगी, ये आपके इस पे फोटो दिख रही है, देखिए जीप कैसी होती है. ठीक है, वेरी गुड. ही हैज अ पेंसिल बॉक्स. ठीक है, अब आपको इसको देखना है, जितने प्रेजेंट हैं सबको पास्ट में डालिएगा, जितने पास्ट हैं उनको प्रेजेंट में. जैसी हमने एक्सरसाइजेस की थी शुरू में, वैसी एक्सरसाइज फिर आपके सामने है. आपके सामने लिस्ट है कुछ चीजें, कुछ आइटम्स की जो आपके पास 2015 में थे, और कुछ आइटम्स 2017 में. ठीक है, आपको ये देखना है कौन उस समय भी थे, कौन इस समय भी हैं, और वो है में है आएगा. मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूं, और जो आज नहीं देखेंगे वो आपके पास थे में आएंगे. 2015 की लिस्ट देखेंगे, कैट स्लेट, क्रेयॉन्स एंड बाइसिकल. 2017 की लिस्ट में देखेंगे पेन बॉटल, कैट एंड बाइसिकल. तो आपको बोलना है सेंटेंस, जो पहले थे और आज भी हैं वो है में, और जो पहले थे परंतु आज नहीं है उनको हैड में. ठीक है, चलिए वन बाय वन, एक एक स्टूडेंट. यहां सामने आपको वो चीजें दिख रही हैं और आपको बोलना शुरू करना है. टीचर्स इंश्योर करें कि सारे बच्चे बोले, ध्यान देंगे, सारे बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. चलिए बोलना शुरू करिए एक के बाद, टर्न बाय टर्न सारे बच्चे बोलेंगे. एक एक आइटम को उठाते जाइए और आप समझते जाइए कि वो आपको हैज हैव आई के साथ बोल रहे हैं तो हैव में लेना है कि हैड में लेना है. टीचर देखें कि बच्चे सही बोले, और अगर आज वो आइटम नहीं है तो वो हैड में जाएगा. चलिए फटाफट एक के बाद एक बोलते रहिए. जो बच्चा बहुत बढ़िया से बोलेगा उसके लिए जोरदार क्लैपिंग होगी. चलिए वन बाय वन. Okay, that's all for now. Thank you.